तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसी गोभी खरीदनी चाहिए, साथ ही गोभी को कैसे क्लीन करना चाहिए। गोभी काटते हैं तो हम उसका काफी सारा हिस्सा बहुत वेस्ट कर देते हैं, तो वो वेस्टेज ना हो और काफी लंबे समय तक हमारी गोभी कैसे फ्रेश रहे, कैसे हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारे टिप्स। और साथ ही अगर आप पराठा या फिर गोभी की पकौड़ियाँ बनाने वाले हैं तो उनके लिए ढेर सारी टिप के लिए आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब हम गोभी खरीदते हैं तो हमें गोभी ऐसी खरीदनी चाहिए जिसे हम आसानी से यूं करके अंदर देख सकें कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि अगर गोभी बहुत चिपकी हुई से आप खरीद लें, कुछ गोभी होती है एकदम टाइट जिसे आप यूं भी नहीं कर सकते तो आपको नहीं दिखेगा कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं। तो इस तरीके से देख लीजिए, ऐसी गोभी खरीदिए जिसके अंदर कीड़े ना हो, अंदर से ही ज़्यादातर दिख जाते हैं, और अगर फिर भी रह जाते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको टिप बता देती हूँ। और दूसरी चीज़, उससे पहले बता दूँ, जो हम गोभी काटते हैं तो उसके ये पत्ते हम मोस्टली फेंक देते हैं, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, इन्हें नहीं फेंकना है। तो आप इनके ये सॉफ्ट पत्तों को निकाल लीजिए और इनको पतला पतला सा इस तरीके से काट लीजिए, और आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो इस तरीके से आप पत्तों को काट के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये डंडा जो हम अक्सर ये फेंक देते हैं गोभी का, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, एंड न्यूट्रिशियस के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा साफ कर लीजिए ऐसे, और फिर इसे इस तरीके से कट करके आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सूप में डाल सकते हैं, सूप का टेस्ट बढ़ जाएगा और सूप गाढ़ा भी हो जाएगा। और साथ ही इसके फूलों को इस तरीके से आप निकाल लीजिए, आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे बता देती हूँ कि ये जो इसको अच्छे से क्लीन करना कैसे है। तो इसे हम डाल दे रहे हैं एक बड़े से बर्तन में, और इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए इसमें हम डालेंगे ये हॉट वाटर, ये पानी है जो मैंने गर्म करके रखा है, इस पानी को डाल दूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी होगा तो वो चला जाएगा, साथ ही ये जो केमिकल का इफ़ेक्ट है वो भी चले जाएंगे। और अच्छे से क्लीन करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ये एकदम साफ और क्लीन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही 5 मिनट पड़े रहने देंगे और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी गोभी एकदम क्लीन हो गई, इसके ऊपर जो भी निशान था वो चला गया है। और साथ ही आप इसमें तुरंत जब भी गोभी को बॉईल करें तो तुरंत ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और गोभी पकौड़ियाँ बनाएं तो बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल दें, जिससे क्या होगा, पकौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनेंगी, वरना क्या होता है थोड़े देर रखने के बाद पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अगर आप राइस फ्लोर मिला देंगे तो पकौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी और बढ़िया सी बन जाएंगी। और एक और टिप है कि हम जब गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो अक्सर हमारी गोभी बहुत गल जाती है, उसका रीज़न ये है कि हम सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आलू जब आपकी 50% कुक हो जाए तब आपको उसमें गोभी ऐड करना है, तो उससे आपकी गोभी ज़्यादा गलेगी नहीं और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी गोभी। जब कभी भी आप गोभी का पराठा बनाएं तो गोभी को घिसने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिए और बाद में ऐसे पानी को थोड़ा निचोड़ दीजिए, तो आपके पराठे अच्छे फूले फूले बनेंगे और साथ ही फटेंगे भी नहीं। जब आप नमक डाल देंगे तो जो भी गोभी का एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, देखिए। तो इस तरीके से भून लेंगे, और अगर फिर भी आपको कभी लगता है कि थोड़ा मॉइस्चर है तो आप थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पराठे बनाइए तो बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। और गोभी के फूलों को काट के अगर आपको तुरंत सब्ज़ी नहीं बनानी है, आपको इसे प्रिजर्व करके रखना है, तो आप इसे अच्छे से एक पॉलीथीन रैप में बांध के या जिप लॉक बैग में रख के आप इसे फ्रीजर में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप गोभी को काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक गोभी की सब्ज़ी बना सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे गोभी से जुड़े हुए सारे टिप्स। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद शिल्पी। थैंक यू सो मच।